बांसवाड़ा से। ट्राइबल मजदूर संघ के पदाधिकारियों ने उपखंड गढ़ी के नाम जिला कलेक्टर को ज्ञापन देकर बताया कि केंद्र सरकार व राज्य सरकार के नियमों का पालन ग्राम पंचायत द्वारा नहीं करने व इनका उल्लंघन किया जा रहा है। ग्राम पंचायतों में इसकी पाबंदी हो, ग्राम विकास अधिकारी व सरपंचों को पाबंद करने और साथ ही ट्राइबल मजदूर द्वारा संघ द्वारा चेतावनी दी गई है कि 5 दिनों में अगर हमारी मांगों को अनुरूप कार्य शुरू नहीं होने पर पंचायत समिति अर्थूना में शांतिपूर्ण धरना प्रदर्शन किया जाएगा, जिसकी जिम्मेदारी स्वयं शासन प्रशासन की होगी। ट्राइबल मजदूर संघ द्वारा निम्न लिखित मांगों को लेकर ज्ञापन दिया है। सूचना पट्ट पर सूचना प्रदर्शित नहीं होना, 1-2 घंटे सरपंच सचिव फिक्स समय पर उपस्थित रहें, मनरेगा योजना में प्रपत्र आवेदन लिया जाए, समय अनुसार ग्राम पंचायतों में ग्राम सभा व साधारण बैठक मासिक बैठक नहीं होती है जिसको सुचारू करें, सरकार के नियम आदेशानुसार ग्राम सभाओं यह प्रतिबंध करें, सचिव को ई कियोस्क मशीन पर ग्राम पंचायत में सरकार ने दी इसका उपयोग सुचारू रूप से हो, हर ग्राम पंचायत में आवास सहायक का प्राइवेट व्यक्ति जो कोड देना बंद हो और LDC की जिम्मेदारी सौंपी जाए। सरकार का प्रावधान है कि सरपंच पत्नी है तो पति पद पर कार्यरत करते हैं, यह नियम विरुद्ध यह प्रथा बंद हो, स्वयं जनप्रतिनिधि मौजूद रहे, बैठक में जनप्रतिनिधि के पति का नेतृत्व बंद हो, यह सरपंच व सचिव को दिशा निर्देश जारी करें। हर वर्ष का आय व्यय का ब्यौरा ग्राम पंचायत में सभी ग्राम सभा में पंचों व ग्रामीणों के बीच सार्वजनिक हो। भारतीय संविधान में पंचायती राज नियमानुसार ग्राम सभा का आयोजन होने के पहले लाउडस्पीकर कर ग्रामीणों को जानकारी दी जाए, ये नियमों का उल्लंघन हो रहा है। इन सभी मांगों को लेकर ट्राइबल मजदूर संघ द्वारा 5 दिन में सभी पंचायतों में दिशा निर्देश का जारी का पालना सुनिश्चित करवाने हेतु ज्ञापन दिया गया है। इस मौके पर ट्राइबल मजदूर संघ के जिलाध्यक्ष दिलीप पांडा, संरक्षक रमन लाल बामनिया, उपाध्यक्ष गजानंद गणेश लाल, हीरा लाल, अमृत लाल, मोहन लाल, उप सरपंच विजय पाल कटारा आदि मौजूद रहे।